हाय फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं आज आ चुका हूं एम्स के कैंपस में। और आप देखिए यहां पर जो है लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे एम्स के एम्प्लॉई। इस तरह आप दिखा सकते हैं कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। ये एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट है, तो यहां पर कमी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी तो एम्स की है, बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर भी हैं। और देखिए मेरे पीछे जो है सारे के सारे एम्स के नर्सेज हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कि इन लोगों की जो है प्रोटेस्ट डिमांड की पूरी की जाए, बिकॉज ये लोग अपने फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि मैं अभी बीच में गया था तो मैंने एक देखा था, वो बोल रहे हैं कि वी डू नॉट रिक्वायर प्रेज, वी ऑल्सो रिक्वायर रेज। वो लोग परेशान हैं अपनी सैलरी को लेके, उनका इंक्रीमेंट जो लेके। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका सपोर्ट कीजिए, इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाइए कि सरकार इनकी बात सुन सके। ये बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। आप देखिए आज परेशानी तो हो रही होगी सारे के सारे जितने भी हमारे पेशेंट्स आएंगे इस हॉस्पिटल, लेकिन वो परेशानी सिर्फ वन टाइम है। उसके इनकी परेशानी रेगुलर है, इनकी परेशानी सॉल्व करना गवर्नमेंट का जॉब है। ये देखिए कितना बेहतरीन गार्डन है यहाँ पर एम्स में। और भी आगे दिखाते हैं, चलिए आपको क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे साथ, सो यू कैन सी हियर ऑल द पीपल आर स्टैंडिंग, बट दिस इज़ वेरी साइलेंट प्रोटेस्ट स्टिल। There are reporters and we have a president also here. Reporters are taking interview. This is another reporter of NDTV. अब सुनने में आ रहा है कि कुछ धमकी भी दी है इन लोगों की, आप ये प्रोटेस्ट बंद करो अदरवाइज आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए कितने परेशान लोग हैं। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है, अब देखिए इनका जो है ये कहते हैं मोर देन प्रेज वी नीड अ रेज। प्रेज कब तक? प्रेज एज इन थाली बजाना एंड ताली बजाना, राइट? प्रेज एज इन थाली बजाना एंड थाली और ताली बजवाया था ना प्रेज करके, बट यू डोंट ओनली रिक्वायर प्रेज, यू रिक्वायर प्रेज ऑल्सो, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, विल दे एग्री ऑन योर पॉइंट्स? यस और नो, विल दे एग्री ऑन योर पॉइंट्स, ऑल योर पॉइंट्स फॉर दिस प्रोटेस्ट, दे विल एग्री? यू डोंट थिंक? मेरे हस्बैंड भी आए हैं, देखो तो देख सकते हैं आप कितने सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं अपनी मांगे को पूरी करके। रिपोर्टर्स भी आए हैं। देखिए हरीश काजला जी का इंटरव्यू दिया जा रहा है। एक साल हो गया, वो कह रहे हैं कि एक साल हो चुका है, डिमांड को रिजॉल्व नहीं हुआ है। इनको हर एक रिपोर्टर को अलग अलग देना पड़ रहा है बयान। ये देखो रिपोर्टर, इनका पता नहीं कौन है।